ये छोटा सा रोबोट टेनिस बॉल से भी हल्का है और ये दुनिया में सबसे ऊंचा कूद सकता है। रोबोट्स की छलांग लगाने वाली दुनिया में पिछला रिकॉर्ड 3.7 मीटर का था, लगभग एक फ्लोर जितनी ऊंचाई। पर यह नया रोबोट 31 मीटर तक जंप कर सकता है, लगभग 10 फ्लोर जितनी ऊंचाई। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पैरों से आंखों तक घूमकर वापस आ सकता है। किसी भी चीज को जंप कंसिडर किया जाए, इसके लिए दो क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। पहला, एयर में जाने के लिए जमीन को पुश किया जाना चाहिए, इसीलिए क्वाडकॉप्टर्स जो एयर पुश करते हैं वो लिस्ट से बाहर हैं। दूसरा, ऑब्जेक्ट का मास कम नहीं होना चाहिए। रॉकेट कॉन्स्टेंटली फ्यूल इजेक्ट करते हैं ऊपर बने रहने के लिए, इसलिए वो भी इस लिस्ट में नहीं है। कमान से निकले तीर को भी जंप की कैटेगरी में आने के लिए वापस कमान में आना पड़ेगा। कई एनिमल्स जंप करते हैं, सैंड फ्लीज, ग्रास ऊपर से लेकर कैंगरूज तक। एनिमल्स अपनी पूरी मसल पावर एक साथ रिलीज कर खुद को एयर में लॉन्च करते हैं। एक साथ रिलीज की हुई पावर का अमाउंट डिपेंड करता है जंप कितनी ऊंची होगी। तो अगर ऊंचा कूदना है तो मसल पावर ज्यादा लगानी पड़ेगी। एनिमल्स में सबसे ज्यादा ऊंची छलांग लगाने वाला जानवर है गलागो बुश बेबी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी 75% मसल्स जंप के लिए ही डेडिकेटेड होती हैं। इसी वजह से स्क्वायरल के साइज वाले ये बुशेस खड़े खड़े ही 2 मीटर तक जंप लगा सकते हैं। उसके ऊपर की जो बॉडी होती है वो थोड़ी छोटी होती है, छोटी छोटी बाहें और नीचे बड़े लेग्स, कुछ अलग नहीं है, बस कुछ ज्यादा बड़े हैं। बाजार में कुछ मजेदार जंपिंग टॉयज हैं। ये उछला बचपन में मैं इन पॉपर से खेला हूँ। जब आप इसे मोड़ते हैं ना तो एनर्जी इसकी मुड़ी हुई शेप में स्टोर हो जाती है, ये एक स्प्रिंग बन जाती है। फिर जानवरों के जैसे एक ही बार में पूरी फोर्स ग्राउंड के अपोजिट में फैलाकर जंप ली जाती है। सभी इलास्टिक जंपर्स सेम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। इनमें एनर्जी स्ट्रिंग में स्टोर की जाती है, फिर उसे रिलीज कर जंप की जाती है। पर मार्केट का कोई भी टॉय हमारी इस जंपिंग रोबोट की टक्कर नहीं ले सकता। मैंने जितनी भी चीजें फिल्म की हैं उनमें सबसे ज्यादा मुश्किल इसमें ही हो रही है। ये इतना छोटा है कि झट से एक्सेलरेट कर बहुत ज्यादा ऊंची जंप मार लेता है, इतनी जल्दी कि हम तो कैमरा भी मूव नहीं कर पाते हैं। अब जंपिंग भले ही एक स्पेसिफिक स्किल लगे, पर इंजीनियर्ड जंपर्स दूसरे ग्रहों जहां एटमॉस्फेयर थिन होता है उन्हें स्टडी करने के लिए परफेक्ट रहेंगे। मून जहां ग्रेविटी अर्थ की 1/6 है, वहां ये रोबोट 125 मीटर की हाइट और आधा किलोमीटर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक ही जंप में कवर कर लेगा। रोवर्स को चट्टानों और खड्डों में दिक्कत हो सकती है, पर जंपर्स उछलकर कहीं से भी सैंपल्स ला सकते हैं वापस रोवर के पास। जंपिंग में ज्यादा एनर्जी नहीं जाती है, और अगर लैंडिंग के समय काइनेटिक एनर्जी को वापस स्टोर कर सके तो एफिशिएंसी और भी बेहतर हो जाएगी। इनकी फौज बनाने की शुरुआत पहले ही कर दी गई है। इनमें से कुछ लैंडिंग के बाद अपने आप खड़े होकर दोबारा जंप कर सकते हैं, बाकियों को स्टीयर कर किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एंगल पर लॉन्च किया जा सकता है। हमने आवश्यक रूप से इसके 3 पैर और लगा दिए हैं। ये एनर्जी स्टोर तो नहीं कर सकते, पर इसे ट्राइपॉड जैसी पोजीशन देते हैं जिससे ये किसी भी दिशा में मुड़कर वहां जंप कर सके। लेकिन ये काम कैसे करता है? मेन ढांचे में 4 कार्बन फाइबर पीसेस हैं जिन्हें इलास्टिक बैंड से जोड़ा गया है। मिलकर ये दोनों जंप एग्जीक्यूट करने जितनी एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। रोबोट के टॉप पर एक छोटी सी मोटर है, एक्सल से बंधी हुई एक स्ट्रिंग को रोबोट के बॉटम से कनेक्ट किया गया है। मोटर के स्टार्ट होते ही स्ट्रिंग घूमकर सिकुड़ जाती है और उसी के साथ कार्बन फाइबर और रबर बैंड्स भी ये एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। 1.5 मिनट बाद ढांचा मैक्सिमम कंप्रेशन पर पहुंच जाता है। पता कैसे चलेगा ये तैयार है? जैसे ही इसका बॉटम फ्लैट हो जाए, वो ग्राउंड पर सीधा खड़ा हो सके, मतलब इधर उधर घूमे नहीं, तब ये काम के लिए तैयार है। ओके। इस पॉइंट पर ट्रिगर से लैच और लैच से वो स्ट्रिंग रिलीज हो जाती है जो पूरे ढांचे को समेटे हुए थी। ऐसा करते ही पूरी एनर्जी एक साथ रिलीज हो जाती है। सिर्फ
9 मिलीसेकंड्स के अंदर जंपर की स्पीड 0 से 100 किलोमीटर पर आर को पार कर लेती है। इससे 300 जीज का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जो किसी भी जिंदा जीव को मारने के लिए काफी है। ध्यान से बच के रहना। पर ये रोबोट बाकी चीजों से अलग कैसे है? ये कैसे पुराने रिकॉर्ड होल्डर से 10 टाइम्स ऊंची जंप मार सकता है? वेल, इस खास रोबोट के डिजाइन में 3 स्पेशल फीचर्स हैं। पहला, ये बहुत हल्का है, सिर्फ 30 ग्राम्स। इतना कम वेट छोटी मोटर और बैटरी की वजह से पॉसिबल है। इसका बाकी का ढांचा भी बहुत हल्के कार्बन फाइबर से बना है। ये रबर मटेरियल भी बाकी अवेलेबल रबर से ज्यादा इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करता है, 7000 जूल्स पर किलोग्राम। स्प्रिंग को डिजाइन भी ऐसे किया गया था जिससे ये परफेक्ट जंप ले सके। शुरुआत में इन्होंने खाली हिंज्ड एल्यूमिनियम रॉड से रबर बैंड्स को कनेक्ट किया था, पर इस डिजाइन में एक पॉइंट के बाद स्टोर्ड एनर्जी घटने लगती थी। अचानक ही एक पल के बाद यह ढीला सा लगने लगता था। एक सिर्फ कार्बन पट्टियों वाले डिजाइन में शुरुआत में ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती थी, उसके बाद भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते। तो बेस्ट ऑप्शन था दोनों खूबियों को मिलाकर एक हाइब्रिड बनाना। ऐसा करने पर हर कंप्रेशन लेवल के लिए लगभग सेम फोर्स ही लगानी पड़ती है। लग रहा है ज्यादा फोर्स लगेगी, पर अब बड़ा स्मूथ जा रहा है। जितनी फोर्स लगा रहा हूं उतनी काफी है। इसलिए ये स्प्रिंग एक टिपिकल स्प्रिंग जहां फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होती है उससे डबल एनर्जी स्टोर कर सकती है। रिसर्चर्स का मानना है कि ये अब तक की सबसे ज्यादा एफिशिएंट स्प्रिंग है। कभी कभी स्ट्रिंग पहले ही निकल जाती है, हर बार सही टाइम पर रिलीज हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, स्ट्रिंग इसकी टूट गई है, दूसरी लगानी पड़ेगी। आप रुकिए, मैं अभी आता हूं। शायद आपके हिसाब से जंपर जितना हल्का होगा उतना बेहतर होगा, स्पेशली जब वेट का कोई काम ना हो, अनलाइक मोटर या स्प्रिंग जो काम के होते हैं। हम इसमें थोड़े स्टील के पीसेस डालने वाले हैं, इससे ये थोड़ा और ऊंचा जंप कर पाएगा, पर हमें इसके सिर्फ ऊपर रखने हैं। आपके जंपर के ऊपर वाले हिस्से का जो वजन है उसके नीचे वाले हिस्से के वजन से कम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एनर्जी इफिशियंटली ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। पर इनकी इतनी ऊंची जंप्स के पीछे कोई और ही राज है जिसे रिसर्चर्स वर्क मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। एनिमल सिर्फ उतनी ही एनर्जी से जंप कर पाते हैं जितनी एक बार में उनकी मसल्स डिलीवर कर पाती है। वहीं एक इंजीनियर्ड जंपर्स मल्टीपल रेवोल्यूशन से धीरे धीरे कर कई बार में एनर्जी स्टोर कर सकता है। ऐसी छोटी सी मोटर भी धीरे धीरे जंपर में ज्यादा एनर्जी डिलीवर कर पाती है। बिल्कुल, ये पॉसिबल होता है एक लैच की वजह से जो स्ट्रिंग को तब तक रिलीज नहीं करता जब तक पूरा ढांचा कंप्रेस ना हो जाए। वैसे कई एनिमल्स भी लैचेस यूज करते हैं, उदाहरण के लिए सैंड लीज जो अपने साइज से कुछ ज्यादा ही ऊंचा कूद सकती है। इनकी एक मसल होती है जो यहाँ पर अटैच होती है, पिवट पॉइंट के अंदर राइट साइड में, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है लेग इनके साथ एक्सटेंड नहीं होता बल्कि ये और अंदर चले जाता है। फिर एक दूसरा मसल जो होता है वो स्मूथली इसे पिवट पॉइंट से बाहर की ओर ऐसे पुल करता है। काफी पेचीदा है, तो दो मसल्स काम करती हैं। हाँ, यहाँ एक मसल पावर जनरेट करती है, दूसरी ट्रिगर करती है, तीसरी रोके रखती है। इसे टॉर्क रिवर्सल मैकेनिज्म कहते हैं। अब भले ही बायोलॉजी लैचेस अलाउ करती है पर फिर भी कोई जानवर इस सिस्टम को जंपिंग में यूज नहीं करता, एटलीस्ट बॉडी के अंदर तो नहीं। स्पाइडर, मंकीज मल्टीपल ब्रांचेस को अपने मसल से पीछे मोड़ते हैं, इनसे उन ब्रांचेस में एनर्जी स्टोर हो जाती है जिससे मंकीज खुद को आगे पुश करते हैं। एक स्पाइडर भी जो पहले सिल्क रिलीज करता है फिर उसे वापस खींचकर गुलेर की तरह यूज करता है और कहीं भी चले जाता है। हाँ, उन्हें स्लिंगशॉट स्पाइडर्स कहते हैं। मैंने भी मून बूट्स ट्राई किए इस उम्मीद से कि मैं थोड़ा ऊंचा कूद पाऊं। अब ठीक है। ओके, ओ, इनमें थोड़ी मदद तो मिलती है, पर एलेट ने बताया कि पहली जंप ऊंची लगानी है तो ये काम नहीं करेंगे। जंप 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 और जोर से जंप।
उनका कहना है कि आपको पहले थोड़े जंप्स लेकर इलास्टिक्स में एनर्जी स्टोर करनी पड़ेगी, फिर आप एक बड़ी जंप में उस एनर्जी का यूज कर सकते हो। सालों तक इंजीनियर्स जंपिंग के लिए बायोलॉजिकल सिस्टम्स मिमिक कर रहे थे, पर वर्क मल्टीप्लिकेशन उससे बेहतर निकला। आप बहुत सारी एनर्जी जनरेट कर सकते हो, सिर्फ ज्यादा समय तक मोटर चलानी पड़ेगी। मोटर की पावर अब जंप की ऊंचाई तय नहीं करती, स्प्रिंग की इलास्टिसिटी करती है। अब आप बस एक बहुत बढ़िया स्प्रिंग बना सकते हो। इस स्प्रिंग के साथ सिर्फ इतनी हाइट तक ही जंप ली जा सकती है। अगर ना के बराबर वजन और अनंत समय तक घूमने वाली मोटर को भी इस स्ट्रिंग के कंप्रेशन के साथ कंसिडर करें तो भी इससे सिर्फ 19% ही ज्यादा ऊंचा जाया जा सकता है। अगर आप एयर रेजिस्टेंस कम करना चाहते हैं या एरोडायनेमिक्स के साथ खेलना चाहते हैं तो इसे 10 गुना ज्यादा आइसोमेट्रिकली बना दीजिए। इससे ये 15-20% ऊंची जंप लगा पाएगा। अब भी हम इसके इंटरमीडिएट फेज में ही है जहां एयर ड्रैग से इस पर असर पड़ता है, पर इतना ज्यादा भी नहीं है। अगर हम इसे 10 गुना बड़ा बना दे तो एयर ड्रैग पर इसका असर नहीं पड़ेगा। ये काम करेगा क्योंकि जैसे ही जंपर 10 टाइम्स बड़ा होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो 100 टाइम्स बढ़ेगा, जिससे ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगा, पर इसका मास 1000 टाइम्स बढ़ेगा। मतलब इसके पास पहले से ज्यादा इनर्शिया होगा, तो ड्रैग फोर्स का असर इस पर कम पड़ेगा। ये वॉक मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट से हम नए अलग ही तरीके के रोबोट्स बना सकते हैं। अभी हमें रोबोट्स और मोटर का साइज कम रखना पड़ता है जिससे उन्हें हम कहीं पर भी ले जा सकें, पर कम पावर वाली मोटर्स भी अब धीरे धीरे करके ज्यादा एनर्जी डिलीवर कर सकती हैं। तो ऐसे हम कमाल के रोबोट्स बना पाएंगे।